नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखा गया है विविधतापूर्ण भारतीय मानसून के बारे में। तो देखेंगे किस संदर्भ में अभी लिखा गया है, जानेंगे आखिर भारत मानसून से आपका तात्पर्य क्या है, क्या होता है मानसून, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मानसून की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे हम लोग, मानसून का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है उसे भी देखेंगे, और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं उन्हें भी जानेंगे, भारतीय मौसम विभाग के बारे में जानेंगे, और मानसून सामान्य मानसून के संभावित लाभ क्या क्या है हमारे लिए उन्हें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मानसून अपने निर्धारित समय 1 जून को केरल के तट पर दस्तक दे चुका है। केरल में अच्छी वर्षा हो रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी वर्षा का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, यानी कि यह अपने निर्धारित समय में आ चुका है। और एक बात सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दें कि केरल में सबसे पहले आपका मानसून आता है और सबसे बाद में वहां से जाता है। ठीक है। सबसे लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर पहुंचता है और सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आपका हटता है, शुरू होता है। और एक बात आप याद रखिए, जो आपका कोरोना वायरस है यानी कि COVID-19, इससे आप लोग सरकार ने अब आप पर छोड़ दिया है, सरकार आपकी जगह पर इकोनॉमी को महत्व देने लगी है। तो ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन खुल गया तो आप जाकर घूमें हर जगह, आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, क्योंकि केस बढ़ते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं हो रही केस में। कल आपके 9,000 के करीब केस आए हुए हैं, तो आप अपनी सेफ्टी रखिए और अपने परिवार की सेफ्टी रखिए, और इस गलत फहमी में मत रहिए कि लॉकडाउन खुल गया तो केस सही हो गया या कोई वैक्सीन बन चुकी है। कुछ नहीं बन चुकी है, आप तो डूबेंगे ही, साथ में उस परिवार को भी ले डूबेंगे जिसकी कोई गलती नहीं। तो कृपया करके घर में रहें और परिवार की सेफ्टी रखें अपनी। ठीक है। आगे बात करते हैं। इससे पूर्व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मानसून के आगमन में देरी का अनुमान व्यक्त किया था, परंतु एक निजी मौसम विज्ञान कंपनी ने अम्फान चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कर मानसून के समय में से पूर्व आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। तत्पश्चात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 1 जून को मानसून के आगमन का समय निर्धारित किया। इस प्रकार की घटनाएं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान पर संदेह व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। एक शब्द आपने यहाँ देखा है, अम्फान। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, अम्फान का पूरा चक्रवात के बारे में एक पूरा क्लास लिया था। तो आपको बताना है अम्फान चक्रवात का नाम किसने दिया था, अम्फान किस देश ने दिया था, उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बात करते हैं मानसून से तात्पर्य क्या है आपका। ज्ञातव्य है कि यह अरबी शब्द मौसम से निकला हुआ शब्द है मानसून, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मिजाज। हवाओं का मिजाज। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, जिसे आप लोग शीत ऋतु का मानसून कहते हैं। उदय ग्रीष्म ऋतु में हवाएं इसके विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, इसलिए इसे आप लोग दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर गर्मी का मानसून भी कहते हैं, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। चूंकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड भी कहा जाता है। क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ आप यहाँ आप हैं, ठीक है, और यहाँ आपको जाना है, तो इस वजह से इस तरफ हवाएं चलेंगी तो आप आसानी से जा सकते हैं। फिर लौटते हुए मानसून में आप इस तरह से इस तरफ आ सकते हैं, तो कम मेहनत में आपका व्यापार हो जाता था, इसलिए इसे व्यापारिक विंड या फिर ट्रेड विंड भी कहते हैं। बात करते हैं मानसून की उत्पत्ति के बारे में। ग्रीष्म ऋतु में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तो मानसून का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह गर्म होने लगती है
उसका तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि इस दौरान धरती का तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक बार आप लोग मैप्स में देख लीजिए, ये आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, यहाँ का तापमान आपका बढ़ेगा, ठीक है, साथ ही आपका धरती का तापमान भी बढ़ेगा स्थलीय। तो क्या होगा, तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घट जाता है, और वायुदाब घटेगा तो जो पवने हैं यानी कि हवाएं हैं वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर अग्रसर होंगी यानी कि जाने लगेंगी। तो जो समुद्र इंडियन ओशियन से जल का वाष्प करती हैं यानी कि सोखती हैं जो हवाएं, वो जाकर भारत अन्य देशों में वर्षा कराती हैं एशिया में, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कम वायुदाब की ओर अधिक वायुदाब की तरफ से हवाएं चलेंगी। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएं एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। विषुवत रेखा पार करके ये हवाएं और वर्षा बादल वर्षा करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हवाएं समुद्र से सतह की ओर बहना शुरू कर देती हैं। ये हवाएं समुद्र जल के वाष्पन से उत्पन्न जल वाष्प सोख लेती हैं और पृथ्वी पर आते ही ऊपर की ओर उठने लगती हैं और वर्षा करते हुए आगे बढ़ती हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद ये मानसूनी हवाएं आपकी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक शाखा अरब सागर की तरफ से मुंबई, गुजरात, राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है, तो जो दो आपकी दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकरा कर गंगीय क्षेत्रों में की ओर मुड़ जाती है। और इस प्रकार जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में अत्यधिक वर्षा होने लगती है, यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे भारत में फैल जाता है। अब बात करते हैं मानसून का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है। वस्तुतः मानसून एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका अनुमान लगाना बेहद जटिल है। कारण यह है कि भारत में विभिन्न किस्म के जलवायु जोन और उपजोन हैं। हमारे देश में 127 कृषि जलवायु उप संभाग हैं और 36 संभाग हैं। कितने? 127 कृषि जलवायु उप संभाग हैं और आपके 36 संभाग हैं। मानसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में मानसून को लेकर दीर्घ अवधि पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और उसके बाद लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से नाउकास्ट के माध्यम से मौसम विभाग ने अब कुछ घंटे पहले के मौसम की भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। ध्यातव्य है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल के वर्षों में सुधार देखा गया। अभी मध्यम अवधि की भविष्यवाणियां जो 15 दिन से 1 महीने की होती थी वो 70 से 80% तक सटीक यानी कि सही निकलती थी। हालांकि लघु अवधि की भविष्यवाणियां जो आगामी 24 घंटे के लिए होती हैं करीब 90% तक सही होती हैं। अलबत्ता और नाउ कास्ट की भविष्यवाणियां करीब कभी करीब 99% सही निकलती हैं यानी कि इनका सटीक भविष्यवाणी रहती है। अब बात करते हैं मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब नीनो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के निकट खासकर आपका पेरू तट पर यदि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द समुद्र की सतह अचानक गर्म होती है होनी शुरू हो जाती है तो अल नीनो की स्थिति बनती है। यह तापमान में यह बढ़ोतरी 0.5 डिग्री से 2.5 डिग्री के बीच हो तो यह मानसून को प्रभावित कर सकती है। इससे मध्यम एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर यह होता है कि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द चलने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। यही यही हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं जो भारत में वर्षा करती हैं। एक बार मैप्स में आप लोग प्रशांत महासागर को देख सकते हैं। देखिए ये आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है। देखिए
ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर, ऊपर आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आपका पेरू जहां हम बात कर रहे हैं जिसकी, ये आपका पेरू है। ठीक है, फिर आपका ला नीना, प्रशांत महासागर में उपयुक्त स्थान पर कभी कभी समुद्र की सतह ठंडी होने लगती है, ऐसी स्थिति में जल अल नीनो के ठीक विपरीत घटना होती है जिसे हम लोग लानीना कहा जाता है, यानी कि कह देते हैं कि अलनीनो का विपरीत नाम ही आपका लानीना है। लानीना बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है, व्यापारिक पवनों को रफ्तार मिलती है जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में मानसून पर अलनीनो के प्रभाव के कारण वर्षा कम हुई थी, जबकि 2010 और 2011 में लानीना के प्रभाव के कारण अच्छी वर्षा हुई थी। फिर आपका हिंद महासागर द्वी ध्रुव, हिंद महासागर द्वी ध्रुव के दौरान हिंद महासागर के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा गर्म या फिर ठंडा होता रहता है। पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि ठंडा होगा तो वह आपका बास्ट कम ग्रहण करेगा, यानी कि वायु दाब अधिक होगा, क्या होगा, वायु दाब अधिक हो जाएगा। फिर आपका मेडेन जूनियन ऑस्किलेशन, इसकी वजह से मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती हैं आपके। इसके प्रभाव स्वरूप महासागरीय बेसिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन आता है। यदि भारतीय मानसून के संदर्भ में एल नीनो और लानीना की तीव्रता गति के विकास में भी योगदान देता है। फिर आपका चक्रवात निर्माण, चक्रवातों में के केंद्र में अति निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है, जिसकी वजह से इसके आसपास की पवनें तीव्र गति से इसके केंद्र की ओर प्रभावित होती हैं। आप समझ गए हैं कि जहां निम्न दाब पाया जाएगा उस तरफ हवाएं चलेंगी उच्च दाब की ओर से। ठीक है, जब इस तरह की परिस्थितियां सतह के नजदीक विकसित होती हैं तो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि भारतीय मानसून का प्रवेश प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में आपका अरब सागर की ओर से होता है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी के ऊपर तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं, ये मानसून भारतीय मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ये शब्द भी आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, चर्चा में बना रहता है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तो इसके बारे में आपको याद रखना है अच्छे से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में यानी कि आजादी से पूर्व हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना, यानी कि इसे मेंबरशिप मिली। यह है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है। याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो यह आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। इसका प्रमुख कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी प्रेक्षण करना, भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख क्षेत्रीय 6 प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जो आपके चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली में स्थित हैं। अब बात करते हैं सामान्य मानसून के संभावित लाभ क्या है हमारे लिए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, वर्षा अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है, जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है वहां बारिश होने से अच्छी फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा बारिश पर ही निर्भर रहता है, इसलिए हमारी कृषि को वर्षा का जुआ भी कहते हैं, यानी कि वर्षा पर निर्भर रहना। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध भी हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में समय पर अच्छी वर्षा होने से किसानों को नलकूप चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ ही उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी
फलता अच्छे उत्पादन से किसानों को फायदा भी होगा। खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि भी नियंत्रित रहेगी इससे। जल की कमी दूर होगी। अच्छे मानसून से पीने के पानी की उपलब्धता संबंधी समस्याओं का भी काफी हद तक समाधान होता है। एक तो नदियां तालाबों में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो जाता है, दूसरे भूजल का भी पुनर्भरण होता है। बिजली संकट कमी कम होना, मानसून के 4 महीनों में अच्छी वर्षा होने से नदियों जलाशयों का जल स्तर बढ़ जाता है। इससे आपकी जो जल से बिजली उत्पन्न होती है उत्पादन भी उसका अच्छा होता है। यदि वर्षा कम हो और जल स्तर कम हो जाए तो बिजली उत्पादन भी संभावित बिजली उत्पादन को भी ये प्रभावित करती है। गर्मी में राहत, आप लोगों को भी इससे राहत मिलती है। मानसून की वर्षा जहां एक ओर खेती बाड़ी जलाशयों नदियों को पानी से लबालब कर देती है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से तप रहे देश को भी गर्मी से राहत प्रदान करती है। आपको भी आनंद का अनुभव होता है। तो आपने जाना है भारतीय मानसून के बारे में, सभी आपके लगभग मुझे लगता है सवालों के जवाब मिल चुके होंगे इसमें।